आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जो नेता कभी सत्ता में रहते हुए जनता से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होते थे, आज वो जनता से वोटों की भीख मांगते हुए दिख रहे हैं। आलम यह है कि वोट के खातिर नेता महाशय जूतों की माला पहनने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से वोट मांग रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए जनता के सामने वोटों के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और जनता से कहने लगे कि उनकी तैयार की गई फसल को किसी और को मत काटने देना, यदि उनसे गलती हुई है तो उनके गले में जूतों की माला डाल दे, लेकिन वोट उन्हीं को दें, किसी बाहरी को उनकी फसल ना काटने दें। मैंने बोया, मैंने बोया और जबरदस्ती फसल काटने वो आ गए। उन्होंने किसी के दुख सुख में भाग नहीं लिया, केवल दारू मीट और पैसे के बल पर लोगों की बुद्धि का हरण कर वोट को लूटना चाहते हैं। अरे भाइयों, तो सुना आपने किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी संजय गुप्ता वोटों के लिए जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। चलिए अब एक और वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। ये वीडियो कांग्रेस की मसूरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली का है, जहां वो मन से जनता को संबोधित करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो किसी भी तरह से उन्हें विधानसभा में पहुंचा दें। इतना कहते ही गोदावरी थापली फूट फूट कर रोने लगी। आलम ये हुआ कि उनके कार्यकर्ता को आगे आकर उन्हें रोकना पड़ा। आप भी देखिए, आप लोगों की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ और मेरी एक विनती है, बस कि विधानसभा में पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैंने जितना मेहनत करना था मैंने टिकट लाने तक मेहनत की है। अब इसका मान सम्मान रखना आप लोगों के ऊपर बात है। गोदावरी थापली संघर्ष करो, गांव की बेटी जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों हाथ खड़े करके गोदावरी थापली जी का समर्थन करें, जिससे कि आपका प्यार लेके यहां से जा सके गोदावरी थापली जी। कुल मिलाकर नेताओं का ये गिड़गिड़ाना और फूट फूट कर रोना ये दिखा रहा है कि नेताओं के लिए चुनाव जीतना कितना जरूरी है। सवाल ये है कि अगर इन नेताओं ने जनता के सुख दुख में जनता का साथ दिया है, तो फिर ऐसे हथकंडे अपनाने की जरूरत इन नेताओं को क्यों पड़ रही है? क्यों ये नेता जीतने के बाद जनता को शक्ल नहीं दिखाते हैं और चुनाव आते ही रो धोकर बस किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं? बहरहाल देखना होगा उत्तराखंड की जनता ऐसे नेताओं की अपील को स्वीकार करती है या नहीं। जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।